दूर होगा ना। हाँ तो सिगरेट कैसे बेच सकते हैं? तो सिगरेट है क्या ये? कैसे बेच सकते हैं संस्थान के पास सिगरेट? सारी सिगरेट वापस करो, तो दो सिगरेट जब्त करो सारी सिगरेट। सिगरेट बीड़ी कैसे बेच सकते हो ऋषिकुल विद्यापीठ के पास? ऋषिकुल विद्यापीठ तो वैसे ही है पढ़ाई लिखाई की जगह, उसे 100 मीटर के पैदल बेचे। पीछे बहुत पीछे क्या जी? अच्छी बात ये करना की पन्नी नहीं रखी उन्होंने। अब दोबारा मत करिएगा इसका व्यापार यहाँ पे। खाने पीने का कर लो, चाय पानी का, गुटखा सिगरेट बिल्कुल नहीं बिका ऋषिकुल के पास। धार्मिक नगरी है ये, सिगरेट तो वैसे भी नहीं बेच सकते यहाँ पे। और जमा कर लो सारी, और सिगरेट नहीं। और फाइन कितना होता है बेचने का सिगरेट का? एक आप लोगों ने वाली भी रखी है पर्ची, कूड़े वाली तो खैर है, सिगरेट वाली भी है। सिगरेट वाली 200 रुपये तो, लेकिन धूम्रपान पे होगा सर, उधर नहीं होगा। ठीक है चलो ठीक है। अब ये श्रवण कुमार जी कौन है? उनको ही मिली है ना ये? भाई उन्हीं को मिली है? तो इन्होंने मतलब सबलेट तो नहीं है, सबलेट वाला केस ही नहीं। चलो ठीक आगे आप।